की मुलाकात होनी है। और आइए इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर। बुलंदशहर में पीएम मोदी के शिलान्यास और उद्घाटन से पहले बजाया गया राम भजन। पीएम बोले, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्र प्रतिष्ठा का समय है, देव से देश राम से राष्ट्र का रास्ता तय करना होगा। नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट डिलीट करवाए गए हैं। रोहिणी ने नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर किया था तंज। 30 जनवरी को बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली में नीतीश कुमार ने शामिल होने से इनकार कर दिया है, पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर राहुल गांधी बोले, बीजेपी आरएसएस नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, इंडिया गठबंधन मिलकर इसका मुकाबला करेगा। भारत जोड़ो यात्रा में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी, कल बंगाल की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का राहुल गांधी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव के बाद होगी गिरफ्तारी। कांग्रेस सांसद का स्टोव वाला बयान जारी कर तंज कसा। जगदीश शेट्टार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, टिकट कटने की वजह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में चले गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान की शुरू की गई परंपरा को बदल दिया है, मध्य प्रदेश गान के दौरान अब खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। पीएम मोदी ने पहली बार मतदाता बने युवाओं से किया संवाद, कहा अगले 25 साल देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के नए मौके बन रहे हैं, हमारी सरकार ने देश को अंधकार से बाहर निकाला। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया थीम सॉन्ग, टैगलाइन है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, 48 में से 30 सीटों पर सहमति बनने की खबर है। बिहार के समस्तीपुर में जननायक एक्सप्रेस में गोली चली, एक शख्स घायल, आरोपी का पता लगा रही है पुलिस। नागपुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, कार की छत पर चढ़ा बाइक सवार, खिड़की से हाथ डालकर स्टीयरिंग पकड़ने की करता रहा कोशिश, 3 किलोमीटर तक दौड़ती रही कार। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने संन्यास की खबरों का किया खंडन, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने अभी संन्यास नहीं लिया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में झंडा फहराया, कहा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए गर्व की बात। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र को करेंगी संबोधित, शाम 7 बजे सभी आकाशवाणी केंद्रों पर होगा प्रसारण। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू में हाई अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़, मंदिर के सामने लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, कल 2 लाख भक्तों ने किए थे रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, अब हर रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन राम भक्त कर सकेंगे। ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इको विलेज वन सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने एक युवक पर हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मरीजों के लिए दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला, 31 मार्च से कैश के बजाय स्मार्ट कार्ड से होगा भुगतान, मरीजों को स्मार्ट कार्ड जारी करेगा एम्स। चीन के झियांगजी शहर में आग लगने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। यरूशलम में बंधकों की रिहाई को लेकर सैकड़ों लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इजरायली सरकार से बंधकों को जल्द छुड़ाने की मांग कर रहे हैं लोग। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति माइली के सुधारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे श्रमिक संघ के लोग, माइली के आर्थिक सुधारों का विरोध किया गया।
यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक प्रहार, एफपीवी ड्रोन से रूसी BMP-2 को बनाया निशाना, हमले में रूसी BMP-2 तबाह हो गया। जी हां, गुस्से में है नीतीश कुमार, संकट में है बिहार सरकार। बिहार में आखिर क्या होने वाला है, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया पर यह बड़ा संकट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उतरेगी और बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल है। यह चेहरा गौर से देखिए, लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, इन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किए उसके बाद सियासी हलचल और तेज हो गई, गुस्से में आ गए नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर खड़ा हो गया संकट। सियासी हलचल बढ़ गई है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का मन फिर से बदला नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने आज कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसकी वजह से बिहार सरकार पर भी खतरा नजर आ रहा है। क्या होने जा रहा है बिहार की सियासत में, बिहार की सियासत एक बार फिर नई करवट लेगी क्या, यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने झारखंड का दौरा रद्द कर दिया है। झारखंड के रामगढ़ में नीतीश कुमार की रैली होनी थी, 3 फरवरी को नीतीश कुमार को यहां पहुंचना था, रैली करनी थी। 4 फरवरी को बेतिया में पीएम मोदी की रैली है और अब जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी ये रैली कैंसिल कर दी है, अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। और बिहार में सियासी हलचल से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, रोहिणी आचार्य से डिलीट करवाए गए हैं पोस्ट। नीतीश की नाराजगी के बाद डिलीट करवाए गए सारे पोस्ट। नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में जताई थी नाराजगी, रोहिणी आचार्य ने इशारों में नीतीश कुमार पर किया था हमला। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए थे और उनकी पोस्ट ने बिहार के सियासी पारे को और बढ़ा दिया था। और आइए आपको बताते हैं, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या लिखा था एक्स पर जिससे नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए, खफा हो गए। रोहिणी ने क्या कहा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है, ये कहा और इसे माना यह गया कि यह सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना, योग्य विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में हो खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। तो कुल मिलाकर ये जो एक्सपोज थे एक के बाद एक जो रोहिणी आचार्य ने किए, इसने बिहार की सियासी हलचल को और बढ़ा दिया और नीतीश कुमार का पारा गर्म कर दिया। माना यह जा रहा है कि इन पोस्ट को देखने के बाद नीतीश कुमार खासे नाराज थे। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर यू टर्न लेंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। परिवारवाद पर आजकल प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में वो शामिल नहीं हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन से भी एक तरह की दूरी नजर आ रही है, संयोजक बनने से वो इनकार कर चुके हैं। इन तमाम बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच अहम खबर, बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी ही, कैबिनेट मीटिंग छोड़कर बाहर निकले नीतीश कुमार, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में ही तेजस्वी यादव से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कड़े फैसले लेने की तैयारी में, ये सोर्सेस बता रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में बिहार में क्या होने वाला है ये इस वक्त कोई नहीं जानता, क्योंकि नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। सरकार पर संकट के भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई इस वक्त जानना चाहता है। लेकिन सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, फिलहाल जो स्थितियां परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर बनती हुई नजर आ रही हैं उसके बाद ये साफ तौर पर नजर आता है।
और आइए अब समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाम लिए बिना इशारों इशारों में कैसे तीन बेहद बड़े अटैक सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए। जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। नीतीश वर्सेस रोहिणी, रिश्ते की अंतिम घड़ी। अटैक नंबर वन, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। माना इसे यह गया कि सीधे नीतीश कुमार पर यह हमला है। अटैक नंबर टू, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य। परिवारवाद के आरोपों पर नीतीश के परिवार पर सवाल उठाती हुई रोहिणी आचार्य नजर आई। अटैक नंबर तीन, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। नीतीश के विश्वसनीयता पर ही वो इस पोस्ट के जरिए सवाल उठाती नजर आई। माना यह जा रहा है कि इन्हीं पोस्ट के बाद नीतीश कुमार का पारा और चढ़ गया है। वो और ज्यादा नाराज हुए और नाराजगी का खुलकर इजहार भी किया तेजस्वी यादव के सामने। अब होने क्या वाला है? रुपेश कुमार का जल्दी से रुख करते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या होने जा रहा है? बिहार की सियासत नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। बिल्कुल, जो सवाल है और वो सवाल अभी भी सवाल ही है और अनुत्तरित है, क्योंकि नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक नहीं है मतलब कि जो गठबंधन है, जो सरकार है इस वक्त राजद और जदयू की, इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तल्खियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि पहले प्रवक्ता और एक दूसरे के मंत्री एक दूसरे पर बयानबाजियाँ करते थे, अब नीतीश कुमार और तेजस्वी के अंदर जो कैबिनेट की बैठक हुई है वहां पर नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जताई। लालू प्रसाद यादव की बेटी सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करती हैं, बदतमीजियां जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, हवाओं की तरह इनका रुख बदलता है, इस तरह की टिप्पणियां होती हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद पे बोलते हैं, लेकिन आगे क्या होगा नीतीश कुमार उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार खुद इस्तीफा दे दें, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करके चुनाव में जाने की तैयारी करें, या फिर मंत्रिमंडल भंग करके और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नए मंत्रिमंडल का शपथ कराएं। ये तमाम तरह की ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल ढूंढा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, किससे वो बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, उसकी तैयारियां कैसे करनी हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजद से पिछली बार जब नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा था उस वक्त लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर थे, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव भी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और आज वो खुद 10 सर्कुलर रोड में मौजूद हैं, उनके दोनों बेटे उनके साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार के साथ नीतीश कुमार का एग्जिट, तो एग्जिट कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि एक बार फिर अगर आरजेडी का साथ छोड़ते हैं नीतीश कुमार, बीजेपी का दामन थामते हैं यानी बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं और सरकार बनाने की कोशिश होती है, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। विश्वसनीयता को लेकर सवाल रोहिणी आचार्य की तरफ से भी उठाया गया, क्या वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है? ये एक बड़ा संकट है नीतीश कुमार के लिए। मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक अहम खबर है बिहार की सियासी हलचल से ही जुड़ी। कल पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक हुई, मीटिंग में बिहार को लेकर चर्चा हुई। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही, पीएम के साथ बिहार को लेकर बात हुई है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि बिहार इस मीटिंग का एजेंडा था। क्या हुआ है इस मीटिंग में? आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमोद, इस मीटिंग में क्या बातें हुई, क्योंकि चर्चा यह है कि बिहार को लेकर खासी बात हुई है, क्या एजेंडा रहा, क्या नतीजा निकला? देखिए, इस बैठक में तीन लोग मौजूद थे और तीनों लोग क्या चर्चा किए ये कहना कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि बिहार समेत लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ा मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और ये बैठक काफ़ी लंबी चली थी। ये बताया जा रहा कि 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली थी। निश्चित तौर पर आज की तारीख में सबसे ज्वलंत मुद्दा बिहार है और बीजेपी का वहाँ स्टेक है, बीजेपी वहाँ स्टेक बनाई हुई है, लिहाजा उस पर चर्चा हुआ होगा, ऐसे
समस्या बताया जा रहा है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी इस पूरे मसले में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी उस तरफ कभी नहीं जाना चाहेगी जहां जेडीयू का घर अपने आप में इंटैक्ट ना हो। हाँ। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरह से इंटैक्ट है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जेडीयू में। 44 खुद ये बात पब्लिकली कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब हमारे दरवाजे बंद हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है और जो बीजेपी का रुख है, उसमें क्या कहीं कोई गुंजाइश आपको नजर आती है क्या? देखिए, अमित शाह ने निश्चित तौर पे कई बार बोला है, पब्लिक मंच पे बोला है कि नीतीश कुमार के साथ जाना अब मुनासिब नहीं है, लेकिन विगत कुछ दिनों से जो घटनाक्रम बीता है, अभी हाल के दिनों में उन्होंने कुछ अपने रुख में नरमी भी दिखाई है। कहीं इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला कि बातचीत की जा सकती है, लेकिन अच्छा। इसका अर्थ ये नहीं है कि बीजेपी बहुत उतावली है जाकर वहाँ सरकार बनाने के लिए। जरूर सरकार बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी तब जबकि उसको लगे कि जेडीयू की तरफ जो विधायक आने वाले हैं पूरी तरह से एक साथ हैं और वहां बहुत दिक्कत नहीं हो सकती है। नहीं तो अगर जेडीयू टूट के साथ बीजेपी के साथ रहता है, वैसी हालत में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश वहां करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल बने रहे आप आमोद हमारे साथ। आमोद राय मौजूद है, रूपेश कुमार मौजूद है, कुमार विक्रांत मौजूद है। देश की इस बड़ी सियासी खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार TV9 भारत वर्ष आपको दे रहा है और नीतीश कुमार के एक बयान का जिक्र बार बार हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कल पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर ऐसा क्या कह दिया था जिस पर मचा हुआ है बवाल। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, या पक्का जान लीजिए हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। और आइए 5 संकेतों के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है और परिवारवाद को लेकर इतना सख्त बयान आखिर उन्होंने कैसे और क्यों दे दिया, नीतीश के मन में क्या है। 5 संकेतों के जरिए समझिए। पहला, कांग्रेस पार्टी से वो दूरी बनाते दिख रहे हैं। राहुल गांधी की रैली में जाने से उन्होंने मना कर दिया है दूसरे कार्यक्रम का हवाला देकर। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आजकल नीतीश कुमार दिल खोलकर फिर से तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को भी उन्होंने सराहा, तारीफ की। तीसरा, टारगेट लालू यादव है क्या, भरी सभा में परिवारवाद को नीतीश कुमार कोसते नजर आ रहे हैं। चौथा, रोहिणी आचार्य का जवाब, लालू यादव की बेटी का इशारों इशारों में नीतीश पर हमला होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो कुछ पोस्ट करती हैं, हालांकि नीतीश की नाराजगी के बाद ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है रोहिणी को। पांचवा, इंडिया गठबंधन से मोह भंग, जी हां, संयोजक बनने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। हालांकि इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र किया जाए तो इसके अगुवा नीतीश कुमार ही रहे और अब उनका ये रुख सबको चौंकाता भी है। एक और अहम खबर है नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं बोला, परिवारवाद पर हमला कहीं बीजेपी की तरफ इशारा तो नहीं, ये कह रहे हैं शक्ति सिंह। नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न है उनके त्याग के संदर्भ में और अपनी स्थिति को स्पष्ट तौर पर तुलनात्मक पीपल डोमेन में रखा, इसमें कोई अलग भाव हो ही नहीं सकता। परिवारवाद भाजपा की तरफ कहीं इशारा तो नहीं था। पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर हैं, पीयूष गोयल हैं, प्रधान हैं, कहीं इशारा उधर तो नहीं था। तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बीजेपी की तरफ गेंद फेंकने की कोशिश आरजेडी की तरफ से होती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीतीश के ताजा फैसले से इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की रैली से दूरी बनाई तो ममता बनर्जी पहले ही न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर चुकी हैं।
और इंडिया गठबंधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी खफा, आम आदमी पार्टी नाराज, जेडीयू भी कांग्रेस से दुखी है, ये कह रहे हैं केसी त्यागी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के भविष्य को लेकर संशय जताया जा रहा है, जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, केसी त्यागी कह रहे हैं। पहले कोलकाता, फिर चंडीगढ़ और क्या उसके बाद अब बिहार की बारी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी साहब हमारे साथ हैं। त्यागी जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का भी वही रुख है, अब राहुल की रैली होने वाली है, उसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना, क्या इंडिया गठबंधन बिखरने की राह पर है? सीटों का तालमेल जल्दी होना चाहिए, संयुक्त सभाएं होनी चाहिए, संयुक्त कार्यक्रम होने चाहिए, ये नीतीश कुमार जी और जनता दल यू पहले दिन से ही कहते रहे। नीतीश जी ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की थी कि सीटों के में देरी नहीं होनी चाहिए, इससे घटक दलों में निराशा पैदा होती है, जिसका परिणाम हुआ कि ममता बनर्जी रूठ गई हैं, अपनी आम आदमी पार्टी रूठी हुई है। इसको लेकर के हम व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं और हमारी चिंताएँ भी सही साबित हुई। ममता बनर्जी रूठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी रूठी हुई है, आप भी दुखी हैं और इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था विपक्षी दलों को एकजुट करना, ये नीतीश कुमार ने किया। 23 जून को पहली बैठक यहाँ पे हुई, लेकिन जब रैली हो रही है तो नीतीश कुमार को तो जाना चाहिए था। नीतीश कुमार जी से रैली के प्रारंभ होने और कार्यक्रम के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं, और नीतीश कुमार को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पार्टी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये पार्टियां तय करती, हमारी पार्टी ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो भविष्य क्या लग रहा है, क्या चीज़ें बहुत गड्ढम गड्ढ हैं इंडिया गठबंधन में? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, आप भी कहते रहे हैं कि जो सामने आपके पास चुनौती है वो चुनौती बहुत बड़ी है, और वैसे में आपकी तैयारियाँ या तो निगलेक्टेड हैं या फिर बहुत कम हैं उसके सामने। इस पर हम कई बार अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो समन्वय का काम है वो कांग्रेस पार्टी के पास है, और इस दिशा में उनकी जो गति है वो धीमी है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर रही है। अच्छा, एक साफ सवाल, क्या इंडिया गठबंधन आगे चलेगा, इसका भविष्य क्या नज़र आ रहा है? जिस तरीके से जेडीयू, कांग्रेस, राजद, जेडीयू, ये सभी नेता एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिंताएँ दुख व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम इसके निर्माता हैं, इसलिए इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इंडिया गठबंधन के मुस्तकबिल को लेकर, भविष्य को लेकर एक तरह का संशय सीधे तौर पर नजर आ रहा है अब नेताओं के बयानों में भी। वहीं इंडिया गठबंधन में घमासान पर मनोज झा का भी बयान सामने आया है, जल्द से जल्द मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए ये कहा गया है। नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी बैठकर बात करें, ये कह रहे हैं मनोज झा। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और लालू जी ने उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही, हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। और रुपेश कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, देखिए अब कहीं ना कहीं गठबंधन से जुड़े नेताओं के बयानों में भी एक तरह की मायूसी मुझे तो नजर आ रही है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार के रवैये को अगर हम समझने की कोशिश करें, आप लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, सरकार चल रही है, लालू यादव का बेटा आपका डिप्टी सीएम है आपकी सरकार में, और आप परिवारवाद पर खुलेआम भरी सभा में सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार खुद क्या गठबंधन धर्म निभाते हुए नजर आते हैं? देखिए, अब धर्म का जो दायरा है वो टूट चुका है। हाँ। गठबंधन धर्म हो या फिर राजनीति के भी बहुत सारे धर्म हैं, वो धर्म का दायरा टूट चुका है, और कब कौन किसके साथ जाएगा उसके लिए कोई तर्क ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है कि बाद में जनता क्या सोचेगी। राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति, इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है, और नीतीश कुमार को ये फैसला लेना इसलिए बहुत आसान है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा फैसला दो बार इसके पहले भी ले चुके हैं, लिहाजा तीसरी बार वो लेंगे तो उनको कुछ अलग से तर्क ढूंढना होगा, इसकी जरूरत शायद नीतीश
नीतीश कुमार को नहीं है और राजनीति शायद उनको इसकी इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन नीतीश कुमार की जो तैयारियां हैं अगर उसकी बाबत अगर चर्चा करें तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ शर्त रखी हैं, जो सूत्र हैं और जो चर्चाएं हैं, जो राजनीतिक सियासी गलियारे में जो चर्चाएं हैं उनमें निश्चित रूप से कुछ ना दम है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने जो शर्तें रखी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार नहीं है कि अगले, क्योंकि 2025 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा 6-8 महीने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार उसके बाद ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, क्योंकि अगर वो लोकसभा में बीजेपी को फायदा पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि 40 में 39 का स्कोर करना किसी के साथ हुए बगैर शायद संभव नहीं है, उसमें कुछ सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो भाजपा को भी लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दरमियान साथ होते हैं तो ये अच्छा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि जब 2025 का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं चिराग पासवान वाला दाव चल के उनकी सीटों को कम ना करा दे। लिहाजा नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। कई तरह के शर्त हैं, नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है, यानी उन कहां जाएं और कैसे सियासी समीकरणों पर अब बात होने लगी है, बात आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सोर्सेस जो दावा कर रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार की भी भारतीय जनता पार्टी से बात हुई है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में क्या होने वाला है नजर बनाए रखिएगा। रुपेश, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज भारत फ्रांस की दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। वो इस गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले फ्रांस के 6ठे नेता होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 5:30 बजे जयपुर में खुद इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे और इसके बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि जंतर मंतर से रोड शो शुरू होगा इन दोनों बड़े नेताओं का। दोनों नेता हवा महल, अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय समेत जयपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की तमाम जगहों पर साथ साथ जाएंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर होटल ताज रामबाग पैलेस में बातचीत भी करेंगे। करीब 6 घंटे मैक्रों गुलाबी नगरी में रहेंगे, जयपुर में उनकी मौजूदगी रहेगी। और जयपुर में मैक्रों का कार्यक्रम क्या है इसकी पूरी डिटेल टीवी 9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। मैक्रों जयपुर पहुंच चुके हैं, आगे का कार्यक्रम कैसा है वो आप समझिए। दोपहर 3:15 पर 3:15 बजे आमेर फोर्ट पहुंचेंगे इमैनुअल मैक्रों और उसके बाद कई घंटे तक वो जयपुर में ही रहेंगे। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा आप बताएं पूरे कार्यक्रम के बारे में। इमैनुअल मैक्रों पहुंच चुके हैं, भारत और फ्रांस की दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाना है गुलाबी नगरी में। इस वक्त गुलाबी नगरी की फिजा क्या कह रही है? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद 3:15 बजे से उनका जयपुर में आमेर किला जाने का प्लान है। सबसे पहले 3:15 बजे आमेर फोर्ट पहुंचेंगे जयपुर के इमैनुअल मैक्रों और शाम तकरीबन 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी जयपुर में ही और उसके बाद दोनों नेताओं का रोड शो होगा, जिसके बारे में मैं जानकारी लेना चाह रहा था मनीष झा से। मनीष का रुख एक बार और करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोदी मैक्रों मुलाकात में क्या क्या बातें होने की संभावना है, उम्मीदें क्या जताई जा रही हैं, ये देखिए। 26 राफेल समुद्री संस्करण की खरीद पर चर्चा संभव है, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद पर भी बातचीत मुमकिन है, यानी बहुत कुछ होना है इस मुलाकात में। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा होगी। इसके अलावा लाल सागर के हालात जो हम सबके लिए चिंता का सबब भी हैं, हमास इजराइल युद्ध, इन सब पर दोनों नेता अपने अपने विचार साझा करेंगे।
तो इस मायने से भी ये मुलाकात खासी अहम मानी जा रही है। मनीष, क्या डिटेल आप देना चाहेंगे इस मुलाकात के बारे में? जाहिर है जब मोदी मैक्रों एक साथ रोड शो करेंगे तो उन तस्वीरों का इंतजार तो सबको है ही, लेकिन उससे इतर और क्या क्या खास होने वाला है? बिल्कुल समीर, देखिए एक ऐसे समय में जब भारत और फ्रांस के बीच जो सामरिक संबंध की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है, तब जबकि प्रेसिडेंट मैक्रों अब जयपुर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका जंतर मंतर से लेकर हवा महल तक का करीब 2.25 किलोमीटर का जो है वो एक शोभा यात्रा, जिसे आप रोड शो भी कहते हैं, कि वो निकाली जानी है। और उसके लिए इस पूरे मार्ग में जो है काफ़ी संख्या में लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का आलम तो आप देख ही रहे हैं, जो TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों के बीच में पिछले साल 6 बार मीटिंग हुई थी, और उसके बाद अब जब प्रेसिडेंट मैक्रों भारत आए हैं, खास करके तब जब फ्रांस का नेशनल डे था, तो प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त फ्रांस में थे नेशनल डे के चीफ गेस्ट बनकर, और अब 26 जनवरी के लिए प्रेसिडेंट मैक्रों यहां पर चीफ गेस्ट बनेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जयपुर को चुना गया है, पिंक सिटी जयपुर को, और यहां पर जो उनका कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम में दरअसल एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है कि जो भारत की जो एक रॉयल इमेज है उसको यहां पर पेश करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे और तब पेरिस में उनको एलिसी पैलेस में या दूसरी तरह से जिस तरह से उनका स्वागत किया गया था और जो जिस तरीके से उनकी खातिरदारी की गई थी, तकरीबन उसी की रिप्लिका आप देखेंगे जब जयपुर में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेसिडेंट मैक्रों मौजूद होंगे। और उस दौरान जो उनका कार्यक्रम है, यानी पहले अमेरिका किला और उसके बाद फिर जंतर मंतर, हवा महल और बीच में शोभा यात्रा, और उसके बाद देर शाम में जब दोनों नेता बैठेंगे और फिर दोनों देशों के बीच आधिकारिक बातचीत होगी जिसमें कई समझौते होंगे, तो निश्चित तौर पर दोनों तरह की चीजें हैं। डिप्लोमेसी अपनी जगह है और भारत और फ्रांस के दोस्ताना संबंध को दुनिया तक बताने के लिए जो पिक्चराइजेशन किया जा रहा है वो जयपुर में सबको वो तस्वीरें दिखाई भी देगी समीर। बिल्कुल, और खास करके अगर हम बात अब मनीष रोड शो की करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों जब एक साथ शोभा यात्रा पर होंगे या कहा जाए रोड शो उनका देखने को मिलेगा, तो जाहिर है उसका भी इंतजार हो रहा है। इस प्रोग्राम के पीछे क्या खास वजह हैं और ये क्यों सोचा गया कि दोनों नेता एक साथ रोड शो करें, वो भी जयपुर में? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में जिस तरह से उनकी आगवानी और फिर उनके स्वागत के लिए जिस तरह का रोड शो को डिजाइन किया गया, हमारे कैमरा सहयोगी राजू एक बार फिर आपको आसपास की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए 2.25 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों जब यहाँ से रोड शो की शुरुआत करेंगे, जगह जगह पर नाच गाने और जयपुर और या कहें कि राजस्थान की जो लोक कला है, जो राजस्थान की पहचान है, अभी भी जब आपको बात हो रही होगी तो जो कला कार समय वो सब बहुत हद तक तैयारी कर रहे हैं, उनका इंतजार भी है, एक अलग अलग स्पॉट पर ढोल नगाड़े की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, सिक्योरिटी की वजह से हम सबको एक जगह जैसे खड़ा रहने कहा गया, लेकिन इस वक्त कैमरे पर आप अलग अलग तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। इसी तरह की रंगारंग तस्वीरों के बीच में मोदी और मैक्रों जब 2.25 किलोमीटर के इस सफर को तय करेंगे, उस दौरान यहाँ पर काफी संख्या में लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा मनीष, आपके पास आएंगे और जानकारी के लिए भी। और जाहिर है जब रोड शो शुरू होगा तब भी सीधी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। 3:15 बजे आमेर फोर्ट पहुंच रहे हैं इमैनुअल मैक्रों। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ, आप कहीं ना जाइएगा।